कोशिश कर रहे हैं। जी एक पोस्टर लॉन्च करें क्योंकि वो ये कंप्लीट करें पहले प्लीज, बाद में तो गप्पे डप्पे चलेंगे। राजेश को सबको दिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो आइए द बॉल इज इन योर कोर्ट प्लीज गो अहेड। थोड़ा लाई काही विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकता, विचारालच तुम्ही त्याची खात्री आहे। बोला कोणी एकाने विचारलं तर सांगितलं तर बरोबर सोशल मीडियाचा वापर हा 2014 पासून कशाप्रकारे होते आपण पाहत आलेलो होतो। सुरुवात भाजप कडून झाली होती, सोशल मीडियाचा वारंवार वापर त्यांनी केला होता। तुम्ही थोडं उशिरा आलात, दोन निवडणुका पार पडल्यानंतर आलेला आहात, एवढी समजते म्हणजे विचार मंथनामध्ये काय डिसिजन निघत होतं मान्यच केलं ना। तुम्ही जे म्हणताय ते आम्ही मान्यच केलंय की सोशल मीडियाच्या बाबतीमध्ये कदाचित त्याचं कारण सुद्धा मी आपल्याला सांगू इच्छितो। कोणतंही सरकार आम्हाला असं वाटत होतं 65 वर्ष 70 वर्ष ज्याचा नेहमी उल्लेख केला 70 साल में क्या हुआ वगैरे वगैरे, आम्हाला असं वाटत होतं किंवा अजूनही वाटतंय कोई भी सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो लोगों के लिए काम करे, उसका मार्केटिंग क्यों करे असं आम्हाला वाटत होतं। परंतु काळ बदललाय, वेळ बदलले आणि व्यवसाय बदललाय, आता त्याप्रमाणे आम्हाला सुद्धा बदलायला पाहिजे ह्याची जाण आम्हाला झालेली। आमचा सोशल मीडिया चालूच आहे, आपल्याला माहिती आहे आयएनसी तुम्ही पाहतात, इथे मुंबईचा सुद्धा आमचा एमआरसीसीचा तुम्ही पाहतात, तो ऑल ओव्हर इंडिया आम्ही आहोत। पण आता आम्ही एक मिशन घेऊन चाललो आणि त्या मिशनच्या माध्यमातून आम्हाला अगदी संपूर्ण देशामध्ये अशा पद्धतीने जे गौरवने जसं सांगितलं की हजारो लाखो लोकांना आम्हाला कनेक्ट करायचं आहे आणि ते आम्ही करू। एक सवाल गौरव इसमें बता पाएंगे लेकिन उसका एक हाफ आंसर मैं देता हूं क्योंकि टेक्निकलिटी ही इज द बॉस, तो क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं वो बताएंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि हमने आरोप किया कि ये फ्रॉड है, आपने तो दिखा दिया था कितना फ्रॉड है, तो हमने सिर्फ आरोप नहीं किए, स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का अकाउंट कितना फ्रॉड है आंकड़ों के साथ हमने दिया था और वो कुछ मीडिया ने दिखाया था और बाद में उनके ऊपर बैंड भी आ गया, उनकी बैंड बजा दी उन्होंने शायद। थैंक यू सर। ये मिस कॉल मारने से ही सिर्फ मेंबर नहीं बनेंगे, उसमें क्या था कि मिस कॉल मारो और बिना मिस कॉल मारे मेरे को भी मैसेज आ गया था कि भाजपा के मेंबर बनने पे आपको शुभकामनाएं, सभी लोगों को आया था वो। तो ये इसमें मिस कॉल मारते हैं तो आपको एसएमएस आता है और उस एसएमएस में वो ही वेबसाइट का चैटबॉट का लिंक है, तो आपको समय जो है खुद वो फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें बहुत अंतर है हमारे पास, हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा, फोन नंबर भी जो कोई डालता है, अगला स्टेप आपको पहले ओटीपी आएगा फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो देर आर मल्टीपल वेरिफिकेशन प्रोसेस और एक्चुअल होगा, ये जो भी जैसे कह रहे हैं गौरव कह रहे हैं कि वो एक्चुअल होगा एंड वी आर गोइंग टू इंटरव्यू देम, उसके बाद उनका इंटरव्यू भी लेंगे जो लोग ऑफिस बेरर बनेंगे, तो ये ऑफिस बेरर की तो ये डिफरेंट है, इसीलिए हम नहीं कह रहे कि 10 करोड़ जैसे उन्होंने बोला था घंटी मारो और चलो, हम 5 लाख से शुरू करेंगे, हमने 5 लाख से शुरू करेंगे जी। और कुछ आणि काय मित्रांनो जी, ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट को लेकर किसानों के समर्थन में मैंने ही किया है वो, ये मेरा ही ट्वीट है। आज कई सारे बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पे सचिन के समर्थन में रह गए, लता मंगेशकर का समर्थन हो गया, फेडरल रोड कार्यक्रम चालू, उसको कैसा देख रहे हैं?
सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि भारत रत्न ये देश का सम्मान है, किसी पार्टी का नहीं है। और हमारे देश को फकर है इन लोगों के, भारत रत्न सबको नहीं मिलता। मैंने दो ट्वीट किए थे, उनमें ये भी एक ट्वीट था और दूसरा सेलिब्रिटी पे बाद में आता हूं। तो हमने ये कहा कि आप भारत की गरिमा हो, आप भारत का सम्मान हो, आप जो ये बताया जाता है खास करके बीजेपी के भक्तों से, नेताओं से, कि किसी ने इंटरनेशनल पर्सनालिटी ने किसी ने ये किया, हमने उनका देख के नहीं किया। अच्छा, वो कोई भारत रत्न नहीं है जिन्होंने किया, हमारे भारत रत्न है। और भारत रत्न जो है वो किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से बचे, ये उम्मीद है। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, इसमें गलत क्या है? समर्थन में आप जो करने जा रहे हैं तो लता मंगेशकर जी या सचिन तेंदुलकर जी, ये सिर्फ भाजपा के भारत रत्न नहीं क्या? मेरा सवाल उनसे है। तो ये इस तरह की इनकी हमेशा यह रणनीति रही है कि लोगों को और बड़े बड़े लोगों को इस तरह से ये भाजपा वाले हैं ये दिखाने की उनकी कोशिश है, जो कि हकीकत नहीं है। क्योंकि मैंने कभी सचिन तेंदुलकर जी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं भाजपा का मेंबर हूं, ना लता मंगेशकर जी को मैंने सुना। हालांकि सचिन तेंदुलकर तो हमारे सांसद हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जहां तक सेलिब्रिटी का सवाल है, ये ट्वीट मैंने किया था और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, और वो इसलिए भी किया क्योंकि संडे को हमने एक ये किया, आंदोलन किया पेट्रोल हाइक के खिलाफ और बजट के खिलाफ, जिसमें निर्मला सीतारामन जो मुंबई में आई थी, और मुझे फकर है मेरे कांग्रेस के तिरंगे के सिपाहियों के ऊपर, सारे जिस संख्या में वो आए, 10 बजे का प्रोग्राम हो ही नहीं सका, 11:30 बजे देश की अर्थमंत्री एड्रेस करने लगी लोगों को, ये पहली बार हुआ है, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और मुझे फकर है मेरे तिरंगे के सिपाहियों के ऊपर कि वो रास्ते पे उतर आए। ट्वीट मैंने ये किया था, आपको 2012 का पता होगा, अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट, उन्होंने ये कहा था राम करे, क्या था वो, ऐसा कलयुग आएगा, नहीं नहीं वो मैंने वो इसका ही क्या है, इट वाज लाइक राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ये जब 2012 में ट्वीट किया था उस वक्त पेट्रोल 63 रुपीस था। तो अभी मैंने अमिताभ बच्चन जी को पूछा है, क्योंकि वो देश का सम्मान है, विश्व में उनका नाम है, सुपरस्टार है, स्टार ऑफ द मिलेनियम है, और जब आपको 63 रुपया पेट्रोल था तभी आपने ये कहा राम राम कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, तो आप 94 रुपीज है, 100 के नजदीक है, तो आप कौन सा युग है? और आप इसके बारे में कौन सा युग है? आपने तो रिएक्ट नहीं किया। तो अमिताभ बच्चन जी आप बताइए, तब जब कलयुग था तो अब कौन सा युग है? आई उनकी भाषा एक और सुपरस्टार है जिनका नाम अक्षय कुमार है, उन्होंने ये कहा था 2012 में, गाइस जस्ट क्लीन योर बाइसिकल्स, वी हैव टू हिट द रोड्स नाउ। मैं अक्षय कुमार को पूछना चाहता हूं, आप हैव यू हीटेड द रोड नाउ इन दिस सिचुएशन व्हेन इट वाज 63? यू आस्क ऑल योर कलीग्स, गाइस क्लीन योर बाइसिकल्स, हिट द रोड। अब क्या आप पैदल चल रहे हैं, शूटिंग के लिए पैदल जा रहे हैं? अक्षय कुमार एक और बहुत बुद्धिजीवी, अपने आप को जीविका मामला आजकल बहुत चल रहा है, इसलिए
एक बुद्धिजीवी अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, वो हम भी कुछ हद तक समझते हैं, अनुपम खेर जी, उन्होंने ये कहा था, कल मैंने रात को मेरे ड्राइवर को पूछा भाई लेट क्यों हो गए, तो उसने ये कहा ड्राइवर ने कि साहब मैं साइकिल से आ रहा था। तो अनुपम खेर जी मेरा सवाल आपको है, अब आपका ड्राइवर पैदल आता है, कितने बजे पहुंचता है? जब 63 रुपीज 63 रुपया पेट्रोल था तब आपकी ये रिएक्शन थी, अब क्या हुआ?